दोस्तों, कुछ पल प्रकृति के साथ मेरे इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दिल से आप सबको जय हिंद, नमस्कार, सुस्वागतम मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों, मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी हूँ। दोस्तों, आज हम हैं अपने साग सब्जी वाले बगीचे में और आज हम इस एपिसोड में ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको कि हम कम जगह में अच्छा से अच्छा साग सब्जी कैसे लगा सकते हैं और अपने परिवार को बिना कीटनाशक का शुद्ध साग सब्जी किस तरह से खिला सकते हैं। तो कम मेहनत, देखभाल तो करना पड़ता है पेड़ पौधों का, कम मेहनत कम जगह में हम हर वैरायटी लगा सकते हैं और शुद्ध से शुद्ध साग सब्जी अपने लिए खा सकते हैं। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में सब कुछ दूषित हो चुका है। वातावरण समझिए, वायु समझिए, जल समझिए, साग सब्जी समझिए, आज हवाओं में सिर्फ केमिकल है। हम सर्वाइव कर चुके हैं मानव समाज, उस तरह जल में भी आज हर कंपनी फैक्ट्री के बड़े बड़े देश जितने भी देखते हैं सब कुछ उसी नदी में समंदर में अपना सारा केमिकल्स पानी छोड़ते हैं। ड्रेन के जरिए सारे पानी अशुद्ध हो चुके हैं। उसी तरह से हमारे खान पान में भी वही होता है। किसान हो या कोई भी हो, पैदावार जब लगाता है अपने के लिए तो अपने लिए दो पैसा उसे बचाना है। साग सब्जी जगह लगाता है तो उसको पैदावार भी निकालना है और उसे उस अपने लगाए हुए मेहनत का फल चाहिए ही चाहिए बेचारे को। तो उस जब कीड़े लगते हैं तो उसे बचाने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करता है तो साग सब्जी तो बच जाते हैं, निकल जाते हैं, मगर उसी में जहर भी, कीटनाशक का जहर उसी में रह जाता है जिसे वो किसान भी खुद खाता है, हमें भी बेचता है। बेचारे किसान का तो इसमें कोई दोष नहीं। तो हम बिना कीटनाशक के किस तरह से हम कम जगह में अपने लिए अपने परिवार के लिए साग सब्जी लगा सकते हैं, जो उसी पर चर्चा करेंगे। और मैं आज अपने बगीचे में आपको लेकर आया हूँ कि अपना बगीचा छोटा सा बगीचा है मगर पूरे परिवार को अच्छा बिना कीटनाशक का सब्जी देता है। इसकी देखभाल करते हैं हमारे किशोर भाई हैं जो मेरे फैक्ट्री में पेंटिंग डिपार्टमेंट में, रंग मारने के डिपार्टमेंट में हैं, वो भी इसका देखभाल बहुत करते हैं। उनका इसमें मेहनत है यूँ समझिए कि 90% है। अपने परिवार के लिए भी ले जाते हैं साग सब्जी, हमारे परिवार के लिए भी देते हैं और जितना हो सकता है मैं भी टाइम देता हूँ, इसलिए कि हम किस तरह से कुछ पल प्रकृति के साथ रह सकें। ये एक बहाना है प्रकृति के साथ रहने का, कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताने के लिए। क्योंकि आधुनिक युग में हम इतना व्यस्त हैं मोबाइल की दुनिया में, इसमें उसमें वो में, इतना कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं, देखते हैं मेरे बगीचे में क्या क्या मैंने लगाया है और किस तरह से देखभाल करता हूँ। और आप भी अपने घर में कम जगह में लगा सकते हैं। अगर इसमें नहीं लगा सकते गमले में भी लगा सकते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे बगीचे को देख लेते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पीछे ही देखिए ये भिंडी का पौधा है और इधर ये जो है अभी देख रहे हैं ये ग्वार सेमी है और इधर जो आप देख रहे हैं झुनगा है, ये भिंडी है और ये नीचे जो है ये सेमी है। विस्तार से बताता हूँ, मैं फ्रंट कैमरा की तरफ आप चलते हैं। ये हैं किशोर दादा, जब भी ये फ्री होते हैं तो आके बगीचे में लग जाते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं बगीचे में लग जाता हूँ। अभी ये फ्री हैं तो अभी देखिए ये आके अपना पानी होनी डाल रहे हैं। जब फ्री होंगे तो हम दोनों आके फिर इसमें खाद डालेंगे। जो मैंने आपको गोबर दिखाया था, गोबर का खाद जो सूखा हुआ उसको हम लोग फिर डालेंगे। तो देखिए अपने आँखों से देख रहे हैं। ये है बरबट्टी का पौधा, इसे इंग्लिश में ग्रीन बीम भी कहा जाता है। झुलेर बोलते हैं हमारे उड़ीसा में और हिंदी में इसे बरबट्टी कहा जाता है। फूल देना शुरू हो गया है, बहुत जल्द पपीते भी फलने लगेंगे। और यहाँ दीवार पर है ये है पॉम्पकिन, माखन कद्दू बोलते हैं इंग्लिश में, इसे पॉम्पकिन कहा जाता है और हमारे उड़ीसा में हम इसे माखन बोलते हैं। सब्जी इसका बनाया जाता है, थोड़ा सा इसमें मिठास होता है। यही कंपोस्ट में इस्तेमाल करता हूँ अपने बगीचे में। यह है असली गोबर, मैं गोबर है सब यहीं जमा करता हूँ, सुखाता हूँ और देसी मुर्गियों को छोड़ देता हूँ, उसे कोड़ कोड़ कर सुखाएं, उसमें कीड़े खाएं और इसे कंपोस्ट बनाएं। और यही कंपोस्ट में इस्तेमाल करता हूँ अपने बगीचे में। ये है मेरे ओमो पक्षी,
जिसे बाजार में से चाइना मुर्गी के नाम से बेचा जाता है। और इन पक्षियों से ये फायदा है कि आपके पौधे में जितने भी कीड़े लगेंगे उनको ये चुन चुन के खा जाते हैं, जिससे आपको कीटनाशक देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब शुरू करते हैं यहाँ से। पहले बगीचे का एक झलक देख लीजिए, उसके बाद फिर विस्तार से हम बगीचे पर चलेंगे। ये सीन है, अब शुरू करते हैं फ्रंट से। मैं एक कोना में खड़ा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है भिंडी, तो ये है भिंडी देखिए, और ये है सेमी। सेमी को देखिए, मैं यहाँ पर सेमी है, वहाँ पर देखिए एक लाइन से वहाँ तक लगा है सेमी, और ये भिंडी है। तो मैं सेमी का एक लाइन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से सेमी लगा हुआ है। निकल आता हूँ, ये देखिए फूल भी है फल भी है, सेमी है। उसी पास में जो बड़ा बड़ा जो देख रहे हैं ऊंचा ऊंचा पौधा, ये है बरबट्टी, हम हिंदी में इसे बरबट्टी कहते हैं, और हमारे यहाँ हो गया हमारे भाषा में, यहाँ हम लोग इसको झुनगा बोलते हैं। ये झुनगा का पौधा है, ये झुनगा झुनगा मस्त देखिए फला है, तो चारों तरफ यहाँ भी झुनगा है, देखिए झुनगा इसमें भी है झुनगा। और देखिए कितनी दूरी में, देखिए यहाँ देखिए ये सेमी का जो है यहाँ पर लगा हुआ है, और उसी के पास में ही दिया गया है झुनगा का, ही आया ये देखिए बरबट्टी का, ये आया घूमता हुआ इसके अंदर घुस गया, यहाँ से सेमी भी। इसलिए कि ये एक ही तरह के पौधे हैं, तो दोनों को हम एक पास पास में भी दे सकते हैं, इनको पानी और विटामिन चाहिए, दोनों को एक साथ अगर पास पास भी देते हैं ये अपना डेवलपमेंट अच्छा कर लेते हैं, अच्छा उन्नत कर लेते हैं, अच्छे फल देते हैं। आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, वहीं पर ही आप बांस लगा कर एक डेढ़ करके आप ये लगा सकते हैं। देखिए झुनगा बहुत ही फला हुआ है, ऐसा नहीं कि इसे विटामिन नहीं मिला, मस्त फला है, अच्छा फला है, जितना फल देना चाहिए। बहुत बार हम खा चुके हैं इसका, अच्छा अच्छा फल देखिए, लंबा फल, ब्यूटीफुल शॉट देखिए, कितना अच्छा, देखिए छोटा सा फल नहीं है, देखिए कितना बड़ा फल है, मानिए विटामिन अच्छा इसे मिल रहा है, ये अच्छा फल दे रहा है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ भी एक फल है, ये देखिए छोटा फल नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी इस फल में देखिए फूल अभी टूटा नहीं है, फूल अभी इसमें लगा हुआ है, इसमें जिस पेड़ में ये देखिए इस फल में अभी भी फूल लगा हुआ है, मतलब अभी ग्रोथ में सभी बाकी है, अभी और बढ़ने वाला है। ये देखिए सेम, जिसे हम लोग सेम भी हिंदी में सेम कहते हैं, बहुत लोग कुछ लोग फल्ली बोलते हैं, फल्ली सेम, और हमारे उड़ीसा में हम लोग इसे सेम ही बोलते हैं। देखिए ये सेम, यहाँ दाना होता है, इसके अंदर भी दाना होता है, दाना ये वैरायटी जो है ये छोटा वैरायटी है, मतलब ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है। सेम भी इस तरह के पौधे लंबे लंबे पौधे डीजिक पौधे होते हैं, मगर वो इस तरह से होता है, छोटा छोटा होता है, इस तरह बुखार निकला गुच्छा होगा और इस तरह फैलेगा। इस तरह का ये अच्छा है क्योंकि आपको कम जगह लेगा, तो इस तरह से ये लगाएं, तो आप ये अगर लगाते हैं तो इसके साथ इसको लगा दीजिए, एक ही जगह में आप दो तरह के सब्जी आपको मिल जाएगी, तो बढ़िया विटामिन इसको मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है उसी जगह में। बरबट्टी और सेमी के बारे में तो हम लोग देख लिए, भिंडी के पौधे हैं, इन्हें एक एक फुट डेढ़ फुट के गैप में लगाया गया है। और उसके बाद देखिए भिंडी के पेड़ के नीचे नीचे देखिए यहाँ मूला लगा रहा है, इसे मुरई कहा जाता है, कुछ लोग मूली बोलते हैं, कहीं मूला बोलते हैं, हमारे यहाँ उड़ीसा में हम इसे मूला बोलते हैं। यहाँ मूला भी होता है और साग भी होता है, आप दोनों में जो खा सकते हैं इसको, जिस तरह से अगर पूरी तरह से मैच्योर हो गया तो मूला बन जाएगा, जब तक नहीं हुआ उसका सो तब तक उसका पत्ता भी खा सकते हैं। तो देखिए ये मुरई का साग है, और नीचे देखिए ग्रोथ हो रहा है, पूरी तरह से ग्रोथ हो जाएगा तो उसके बाद आप इसका साग नहीं खा सकते, इसका पत्ता नहीं खा सकते, और मूली से ज़्यादा विटामिन इसके साग में होता है। मूली का साग, सरसों का साग, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है, ये मस्त खा सकते हैं। तो कम जगह में मेरा ये कहना है कि आप कम जगह में अपने परिवार के लिए बिना कीटनाशक दिए, बिना सार दिए भी आप अच्छा से अच्छा साग सब्जी का अपना एक बगीचा बना सकते हैं। मेहनत लगता है, हर चीज़ में मेहनत लगता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर मूली, भिंडी, और भिंडी के पास में है सेमी, और आपका बरबट्टी, सब कुछ
एक साथ है, सबका अपना अपना विटामिन मिल रहा है, खाना पान मिल रहा है, जिस तरह जिसको जो विटामिन चाहिए उस हिसाब से किया जा रहा है बिना शाकाहारी। और ख़ास करके अभी मैंने आपको दिखाया मेरे जो मुर्गी चल रहे थे गोबर के पास, गोबर उसी के मैंने रखा है। उस वक्त और मैं एक पुराने दौर में हम गाँव देहात की ज़िंदगी जो जीते हैं, मेरे नज़र में तो गाँव देहात की ज़िंदगी जो है सबसे सुंदर ज़िंदगी, सबसे अच्छी ज़िंदगी है, सबसे स्वस्थ कर हेल्थी लाइफ कहा जाए तो गांव की ज़िंदगी है। ये देखिए मैंने बल प्रवर्टी पास से देख लीजिए, ये देखिए ये देखिए कितना सुंदर फल है, ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, देखिए दाना इसके अंदर है, पूरा ग्रोथ हो चुका है। और उसके बाद ये फल फलाया हुआ मस्त सब तरफ है, देखिए फल हो जाए मस्त इस तरह से, कोई विटामिन की कमी नहीं, फल अच्छे बढ़ रहे हैं। देखिए इस बलबट्टी को दिखाते हैं, देखिए इसको देखिए मेरे हाथ कितने बड़े, देखिए मेरे हाथ से ये कहाँ पर है, देखिए इस पर अगर रखता हूँ मेरे देखिए हाथ पर यहाँ कहाँ तक आया, ये देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ मेरे कंधे तक आ चुका है, तो ये कितना बड़ा होगा सोचिए किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। कम से जगह में आप अच्छा से अच्छा साग सब्जी लगा सकते हैं। अब देख लीजिए सेमी, बरबट्टी, मूली और भिंडी चार है, आगे दिखाता हूँ आपको इस चार में से और हमने क्या क्या लगाया है। देखिए ककड़ी भी दी गई है और ककड़ी देखिए ककड़ी का पौधा नहीं देखिए ठीक से देखिए पास और यहाँ फूल है, देखिए ये फूल है जो है फूल है फूल और फल दोनों, मैंने ककड़ी भी अब फल देना शुरू कर दिया है, देख ली और चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं। देखो असली में कितना हेल्थी पौधा है, देखिए फलों से लदा रहा है, देखिए थोड़ा मेहनत थोड़ा सखाट फलों से लदा हुआ पौधा मिलेगा आपके परिवार के लिए बहुत है। देखिए हर जगह फल लगा हुआ है, देखिए इसमें देखिए यहाँ देखिए हर जगह फल है, देखिए मतलब हम चाहें तो कम जगह में भी अपने परिवार के लिए शुद्ध बिना कीटनाशक साग सब्जी हम लोग उगा सकते हैं। एक तरीका होता है कहाँ कहाँ किस तरह से लगाएं, बहुत ही सुंदर सहारा चाहिए उठाना पड़ेगा, सुबह इसका काम कर दें। करेला का पौधा है, करेला भी शुरू हो गया, करेला हम कई बार खा चुके हैं और ये देखिए फूल देना शुरू हो गया जनी अरसी के पास में, देखिए कितना फला चाहिए आप खुद देख लीजिए, एक परिवार के लिए सफिशियंट है और बेचने के लिए भी सफिशियंट है। ये देखिए ये जनी देखिए फल के ऊपर फल है, देखिए कद्दू भी इसी के पास पास में और यहाँ पर फला हुआ फल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फिलहाल ये देखिए चुप कर एक फल है, ये देखिए ये फल और फूल दोनों यहाँ पर है, लाल बैगन तो नहीं बल्कि बैगनी कलर के बैगन है, देखिए गिरा हुआ है, इसके लिए वक्त नहीं मिल रहा, इसको भी उठाना है, इसको भी एक सहारा चाहिए, फल लगा हुआ है सब तरफ बैगन का फल, पौधा ठीक हेल्थी कंडीशन में है। ये भी है बैगन के पास में ही, देखिए ये सरसों का साग, देखिए ये सरसों का साग। फिलहाल मैंने आपको दिखाया है मेरे से कम जगह में किस तरह से आप हर वैरायटी का एक बागीचा कर सकते हैं, एक हर साग सब्जी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया है भिंडी है, बरबट्टी है, उसमें ककड़ी है, उसमें मूली का साग है, सरसों का साग है, कद्दुआ है, बैंगन है और तुरई है जिसे हम जौनी कहते हैं, यहाँ पर तुरई है और आपका गुआर सेमी है। मैंने आपको गुआर सेमी नहीं दिखाया, उसी के अंदर गुआर सेमी आई, मैं आपको एक बार गुआर सेमी दिखाता हूँ जिसे हमारे यहाँ तो गुआर सेमी कहते हैं, गंवार सेमी और दूसरी भाषा में क्या कहते हैं मैं आपको दिखाऊँगा, सर्च करके बताऊँगा, आई मैं आपको दिखाता हूँ मिला एक बार गंवार सेमी।
ये गंवार सिमी का पौधा, आइए पास से देखते हैं। पत्ता पत्ता के पास में इसका फूल का ब्रांच आएगा, ये ब्रांच है समझिए, और यहाँ इसके ऊपर ये इसी तरह से फल देखा जाता है। मैं इसका आपको फल दिखा था गंवार सिमी, ये देखिए ये फूल, इसके नीचे भी फूल, इसके नीचे वो फूल, और ये देखिए ये फल, फूल और फल दोनों एक साथ। मगर कहना है कि ये शुगर पेशेंट खाते हैं, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, इसमें थोड़ा सा कड़वापन रहता है। तो जिस तरह से करेले को शुगर पेशेंट खाते हैं, शुगर पेशेंट जिस तरह से करेले को खाते हैं, उसी तरह से इसको भी देखिए, ये है आपका गंवार सिमी, ये गुच्छा गुच्छा में फलता है, ये भी बरबट्टी की तरह, सेमी की तरह। ये देखिए ये है सबसे बड़ा, अब इसको आप खा, ये खाने के लायक हो चुका है, ये है गंवार सेमी। देखिए गंवार सेमी देख चुके, भिंडी देख चुके, और इसी के बीच में देखिए भिंडियों के बीच में, जब वहाँ आपको दिखाया था मुरई का साग, वही यहीं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है बीम, एक तरह का छोटा सा बरबट्टी, छोटे साइज का बरबट्टी होता है, ये बीम है, बीम भी देखिए फूल देना शुरू कर दिया है। ये देखिए बीम तो आप खाते होंगे, बीम भी बरबट्टी की तरह छोटे साइज का होता है, ये देखिए फूल देना शुरू कर दिया है, ये है बीम। बरबट्टी भिंडी को पास से देख लीजिए किस कंडीशन से बढ़ रहे, छोटे छोटे नहीं, बहुत ही हेल्थी और अच्छे भिंडी हो रहे हैं, मतलब इन्हें भी अच्छा विटामिन मिल रहा है। दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया कि हम कम जगह में किस तरह से प्राकृतिक तौर पे बिना कीटनाशक दिए हुए भी हम अच्छा से अच्छा साग सब्जी अपने परिवार के लिए अपने लिए उगा सकते हैं। मैंने कम जगह एक या डेढ़ डिसमिल में देखिए भिंडी, गंवार सेमी, बरबट्टी, अपना कद्दू, जौन्ही, और आपका सरसों का साग, मूली का साग, बैंगन, कद्दू, माखन भी लगाया है, इस तरह से 7-8-9 तरह के करीबन मैंने साग सब्जी लगाए हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम कम जगह में किस तरह से अपने परिवार के लिए बिना कीटनाशक का चाहे तो उगा सकते हैं साग सब्जी। आप लोगों ने सब कुछ देखा सबूत के साथ कि मैं बिना कीटनाशक का कम जगह में अपने परिवार के बहुत कुछ मैं उगाया हूँ, कई सालों से चल रहा है ये कंडीशन। इस तरह कुछ सब्जी सामान मार्केट से भी खरीदते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम बिना कीटनाशक वाला खाएं जो कि घर में हम लोग लगाए हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक, लोगों तक, समाज तक फैलाइए कि किस तरह से हम कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी अपने परिवार के लिए बिना कीटनाशक का भी लगा सकते हैं, शुद्ध सब्जी। और आगे हम दूसरे एपिसोड में आपको देखेंगे प्लास्टिक पर, देखें प्लास्टिक कितना हानिकारक हमारे समाज के लिए, तो जितना हो सके हम प्लास्टिक को यूज़ इस्तेमाल में ना लाएं, यूज़ ना करें, उस पर अगला एपिसोड बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस एपिसोड को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने समाज में फैला दीजिए। जय हिंद।